हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ मस्त। और आज का दिन शुरू होता है तो आज काफ़ी धूप लगी हुई है और दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़े थोड़े बादल लगे। कभी मौसम अच्छा हो जा रहा है, कभी ज़्यादा धूप लग जा रही है। ये देखो इस टाइप से हो रखा है मौसम। ये कुछ बादल लगे हुए, कभी कभी धूप आ जा रही है, कभी कभी छांव आ जा रही है। तो ठीक है, मौसम उतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि गर्मी का टाइम है, थोड़ी धूप तो लगेगी। हे गाइस, हमारे छोटू से पेड़ में देखो आम कैसा पका है, दिखाते हैं आप लोगों को। और कांकोला ये देखो गाइज, दिख रहा होगा हमारा, ये देखो कितना छोटू पेड़ है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, और ऐसे कर छोटू पेड़ है, मेरे से नीचे है और मेरे से नीचे पेड़ है। और इसमें देखो आम पका हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ से। ये देखो, ये देखो आम कैसा पका हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से छुपा हुआ है। देखो मैं बैठ भी गया। और ये देखो आम, ये तोड़ दिया, अपना भी टूट गया वो हाथ में लेते। ये देखो कितना पीला हो रखा है, मस्त पेड़ पे पका हुआ आम अलग ही मीठा होता है। और एक और आम देखा मैंने इधर, बाबा किधर छुपे हो। ये देखो ये इधर छुपे हुए हैं, देखो ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला। ये देखो ये भी अपना टूट गया हाथ में लेते, देखो पीला हो रहा है हल्का सा। मस्त दो आम हो गए, चलते हैं। देखो अच्छा खासा नाश्ता हो जाएगा यार दो आमों का। या तो देखो कितने छोटे पेड़ हैं, इतने इतने छोटे 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 पेड़ में भी आम लगे रहते हैं, तो खाने में मज़ा आ जाता है। तो देखा गाइज, आप लोगों ने दो आम ले लिए मैंने, अब चलते हैं घर पे और इन आमों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद खाया जाएगा। और ये हमारा श्री देखो खुजली कर रहा है, नहाया नहीं है बेशरम ने, सो गया फिर और खुजली करते करते सो गया। गाइज अभी मैं एक लकड़ी के टुकड़े को सेप दे रहा था, गोल सेप, और फिर थोड़ा थक गया था तो मम्मी ने बनाया नींबू पानी। ये देखो, ये देखो ये नींबू पानी है, तो पीते हैं इसको, एंजॉय करते हैं। हे गाइज, मेरी हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं कर रही है इसमें कंप्यूटर में, वो देखो खाली दिखा रहा है, डाटा नहीं दिखा रहा उसमें। और ये है हार्ड डिस्क, और ये रोटेट करते रहती है, इसमें डीवीडी की तरह हार्ड डिस्क होती है। ये देखो इसमें जो पीछे साइड में दिख रहा है आप लोगों को, ये दो डिस्क दिखाई दे रहे हैं, दो फोल्डर, वो इसी के हैं। तो ये चल नहीं रही है, और ये जो आगे पीछे कर रहा है ये पूरा अच्छे से कर नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये कैश नहीं कर रही है। आज मेरा पूरा दिन इसी में निकल गया, पूरा दिन। और जो कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले होते हैं, जो भी होते हैं हार्ड डिस्क रिपेयर वाले, वो बोल रहा है कि आज के बाद ये चलेगी नहीं, इसकी ज़िंदगी यहीं तक थी, तो काफ़ी लॉस हुआ। और ये है 500 GB की, ये देखो इसमें लिखा हुआ भी है, और टोसीबा की है ये। मैंने दोबारा इसको मंगा रखा है क्योंकि इसकी जो बाहर की फ्रेम है वो मुझे चाहिए, डिस्क तो शायद इसकी सही होगी। वो बोलता है डिस्क भी ख़राब है, डिस्क ख़राब हो ही नहीं सकती, डिस्क का होने का मतलब ही नहीं बनता। गाइस शाम होते ही मैं अंदर आया तो देखो कितना बड़ा सांप था अंदर, और ये काटता है तो शायद मरना पक्का होता है। तो ये देखो कितना बड़ा सांप है, मैं तो देख के चौंक गया था, बहुत ज़्यादा डर लगा मुझे। कैसे करके भी इसको पकड़ा, एक जार में डाला और इसको जंगल लेके आए। ये देखो ये पूरा जंगल है, और इसको जंगल में इसलिए लाया क्योंकि यार मारना नहीं चाहिए, एक तो सोमवार था, मारना वैसे भी नहीं चाहिए किसी को। जैसे तैसे पकड़ के लाया तो उसको छोड़ते हैं, आज़ाद करते हैं आज। ये देखो गाइस कितना बड़ा है, ये काटता तो हालत डाउन कर देता है। ये देखो ये धाड़े वाला जो सांप होता है बहुत तगड़ा काटता है, इंसान को काटेगा तो इंसान मरना पक्का है। तो मैंने इसको भगा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा किया क्योंकि किसी को मारने का हक हमको नहीं है। और जैसे ही घर पे पहुंचा तो देखो चांद कितना प्यारा निकला है, देखो कितना प्यारा चांद लग रहा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।